गाइस, सो वेलकम टू मैपर्स अनदर वॉक। पहले तो वीडियो इतनी लेट आने के लिए माफ़ी, थोड़ा सा बिजी थे शिफ्टिंग में, घर में शिफ्ट हुए दूसरे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से वीडियोस बन नहीं पाई ना ही डाल पाए हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेज़न हॉल। बेसिकली अमेज़न से हमने थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग की है, बेसिक नीड्स जैसे कि टोकरी हो गई, कर्टन्स हो गए, ये सब दिखाना सोचा। चलो अपनी YouTube फैमिली को भी दिखाते हैं, काफ़ी अच्छे रेट्स पर हमें मिल गए। अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको हमने अमेज़न से क्या क्या परचेज़ किया और कितने कितने का किया है। तो ये छोटा सा बेड सेटअप किया हुआ है हमने ड्राइंग रूम में, ये यहाँ पे है, ये हमारे अमेज़न के पैकेट्स हैं जिसमें हमारे कर्टेंस हैं। तो अब अनु मैडम इसको ओपन करेंगी, लेट्स डू इट। तो लिविंग रूम के पर्दे कर्टेंस जो है हमने अनपैक कर दिए हैं, दिखाते हैं आपको कैसे हैं। तो लिविंग रूम के कर्टेंस कुछ ऐसे हैं, इसमें ये हमारा सेट है 3x2 3 कर्टेंस का। बेसिकली एक बीच में प्लेन है एंड बाकी दो फ्लोरल प्रिंट के हैं। ओपन करके दिखाओ, ये डार्क ब्राउन कलर में है एंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे हमें देखने में। बाकी तो अब लगा के एक बार चेक करेंगे, देन आपको लगा के भी एक लुक सुबह दिखाया जाएगा। According to price, if we match the quality is very good. I think we have taken a set for $695. We'll just put it in the description. Yeah, we'll put the screenshot in the description. So we are going to open the second packet, जो हमारे bedroom के curtains हैं। कैसा लग रहा है अनपैकिंग करते हुए? तो ये है हमारे बेडरूम के कर्टेंस, ये भी 3 का सेट किया हमने जैसे लिविंग रूम के हैं। पुराने नहीं है वो, है न्यू ही लिविंग रूम के कर्टेंस, वो सिर्फ 7 फुट है। ये वाले अभी हम लगा के दिखा सकते हैं आपको, बिकॉज अभी रात में सोना होता है। वैसे उन्होंने ये बोला हुआ है ना, आई थिंक ब्लैकआउट, नहीं नहीं ब्लैकआउट वाले मैंने नहीं मंगवाए थे, उसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। ओके, दीज आर नॉट ब्लैकआउट्स, सेमी शील्ड। ओके चलो फिर सुबह लगा के उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या लुक आता है। तो किचन का नेक्स्ट आइटम हमारा आ चुका है, क्या कहते हैं इसको, वॉशेबल बकेट या बकेट आफ्टर वॉश टू पुट द यूटेंसिल्स, दिखाते हैं आपको वो भी। अब वो अब एक्सप्लेन करेगी मेरी बीवी अन्नू, बिकॉज किचन किंग तो यही है ना भाई। तो this is the another item which we purchased from the Amazon. So basically this is the 3-in-1 kitchen sink dishwasher rack. इसका हम स्क्रीनशॉट आपके लिए डाल देंगे। ये बेसिकली है स्पून्स के लिए, ये छोटे यूटेंसिल्स के लिए ठीक है, बट जितना अभी तक मैंने यूज़ किया है बड़े यूटेंसिल्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर ज़्यादा है तो फिर इसमें नहीं आते हैं, बट अदरवाइज अभी तक का रिव्यू इसका बहुत अच्छा है। और दूसरी आइटम जो हमने मंगवाई है वो हमारा है नेक्स्ट आइटम, सो बेसिकली दिस इज सोप डिस्पेंसर, इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो बेसिकली इसका यूज़ ऐसे है, एक तो इसके साथ ये आएगा जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा आपको, और ये इस तरीके से आता है, इसमें हम सोप डाल सकते हैं जो भी हमारे वॉश
वॉशिंग के लिए काम आता है, यूटेंसिल वॉश के लिए। और इसको ऐसे बंद कर देंगे। इसके ऊपर ये ट्रे है, इसको हम जब प्रेस करेंगे तो इसमें सोप आ जाएगा, तो इससे वेस्टेज जो है सोप की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जैसे इसने बताया कि सोप डिस्पेंसर से वेस्टेज कम हो जाती है और मनी सेविंग भी होती है, पूछे कैसे? अगर हम बॉटल लिक्विड लेके आए तो वो पड़ती है हमें महंगी, उसके बदले हम लेके आते हैं लिक्विड पाउचेस जो हम आराम से जिनको हम रिफिल्स भी कहते हैं। अगर हम रिफिल लेके आएंगे वो पड़ेंगे सस्ते, रिफिल्स इसमें डाले और सोप डिस्पेंस कर लिया हमने, तो थोड़ी सी सेविंग्स भी हो जाती है और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ जाता है किचन का, तो लाना बनता था। इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे, आपको सही लगे तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यही था। अमेज़न के जो प्रोडक्ट्स हमने अपने लिए मंगाए, हमने यूज़ करके देखे, हमें अच्छे लगे। कर्टेंस अभी यूज़ नहीं किए, कर्टेंस जस्ट अभी आए थे, कल लग जाएंगे कर्टेंस। कल वीडियो में आपको दिखा दूँगा कर्टेंस कैसे लग रहे हैं देखने में। बाकी वो बकेट जो है और वो जो सोप डिस्पेंसर है वो हम यूज़ कर रहे हैं अराउंड एक महीने से और हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं उनसे। बकेट तो इनफैक्ट इस पहले से भी हमारे पास, दूसरे घर पे पहले भी थी हमारे पास बकेट, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स। सो चलो मिलते हैं सुबह, फिर एक बार आपको पर्दे दिखाते हैं सुबह, देन वीडियो को करेंगे हम एंड। हाँ जी, तो अगले दिन की शुरुआत हो गई है और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कर्टेन सेट करने हैं, तो कर्टेन सेट कर दिए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कर्टेन्स का लुक, काफ़ी अच्छा है, पीछे तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे आगे वाले कमरे के कर्टेन्स। वैसे तो अभी धूप नहीं निकली हुई, बट धूप हो तो आर पार होती है धूप। और ये है हमारे इधर वाले डोर के कर्टेन्स, उधर के भी दिखाता हूँ आपको। तो आ गए हैं हम इस रूम में, चलो आपको इधर के रूम के भी कर्टेन्स दिखा देते हैं, देखने में तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, चलो दिखाते हैं आपको। तो ये है इधर के डोर के कर्टेन्स, ये भी ब्लैकआउट तो नहीं है बट काफ़ी हद तक जो है सनलाइट रोक देते हैं। विंडो के दिखाता हूँ, तो ये कुछ लुक है पीछे कर्टेन्स का, जो हमारे बेड के पीछे विंडो है उस पर लगाए थे हमने। यहाँ से भी सुबह थोड़ी बहुत सनलाइट आ जाती है बट ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कर्टेन्स और देखने भी अच्छे और सस्ते भी हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही था, इतने पैसे में इतना ही मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना लोग? हाँ, तो चलो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थोड़े से सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा दो यार, बहुत कम है अभी तो। चलो बाय बाय।